हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। टुडे वी विल स्टार्ट आवर ग्रामर पार्ट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ क्विक लुक ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। एज यू ऑल नो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, और लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन दीज पार्ट्स। जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है वो कम्प्लीटली डिपेंड करती है इन पार्ट्स पर। यू हैव टू नो अबाउट दीज पार्ट्स। आपको जानना पड़ता है हमें लैंग्वेज सीखने के लिए इन पार्ट्स के बारे में। द पार्ट्स ऑफ स्पीच इंडिकेट हाउ द वर्ड फंक्शन इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो हमें ये इंडिकेट करते हैं, ये हमें बताते हैं कि जो वर्ड है वो सेंटेंस में कैसे मीनिंग के रूप में वर्क कर रहा है, साथ ही साथ उसका ग्रामेटिकली कैसे सेंटेंस में यूज़ किया गया है। एन इंडिविजुअल वर्ड कैन फंक्शन एज मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच वैन used in different circumstances, it means conditions। एक individual जो word होता है, एक जो single word होता है, वो एक जो sentence होता है उसमें different way में work कर सकता है। different parts of speech का वो part हो सकता है। ये sentence की conditions पर depend करता है। There are eight parts of speech in English language, as you all know, in our English language there are eight parts of speech, and these are noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, preposition and interjection. Today we will take a quick look of these part of speech. After that we will read about these part of speech one by one separately in detail. First, noun. A noun is a word for person, place, thing or idea. As you all know, everything that we can see around us are noun. जो भी हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं, all things are noun. And according to the definition, person, place, thing or idea, these are called noun. For example, girl, school, bag, etc. Nouns are often used with an article, but not always. जो noun होती है वो अक्सर a, an और the के साथ में use की जाती है, but not always. कुछ exceptions भी होते हैं. Noun can function in different roles within a sentence. एक जो सेंटेंस होता है उसमें जो नाउन है वो डिफरेंट फंक्शंस प्ले करती है. लाइक फॉर एग्जांपल, अ नाउन कैन बी अ सब्जेक्ट. एक नाउन हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकती है. इट मे बी अ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन. ये एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में और एज वी नो नाउन के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं. एज अ सब्जेक्ट हम इसे यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, प्रीपोजिशन. अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू फॉर्म अ फ्रेज मॉडिफाइंग, इट मीन्स कन्वर्ट अनादर वर्ड इन द सेंटेंस. जो प्रीपोजिशन वर्ड है वो ऑलवेज नाउन और प्रोनाउन वर्ड से पहले प्लेस किया जाता है, इसे एक फ्रेज में कन्वर्ट करने के लिए, इसे एक फ्रेज में चेंज करने के लिए और दूसरे सेंटेंस के साथ ऐड जोड़ने के लिए. फॉर एग्जांपल, विद आर फ्रेंड्स, हेयर विद इज द प्रीपोजिशन. अबाउट द बुक, हेयर अबाउट इज द प्रीपोजिशन. एट द रेलवे स्टेशन, हेयर एट द प्रीपोजिशन. अनटिल, टुमारो, दीज आर सम मोर प्रीपोजिशंस. प्रोनाउन. अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के प्लेस पर यूज़ किया जाता है. एज वी नो, लाइक शी, वी, दे एंड इट. अ प्रोनाउन इज यूजअली सब्स्टिट्यूटेड फॉर अ स्पेसिफिक नाउन. जो प्रोनाउन वर्ड होता है वो ऑलवेज किसी एक स्पेसिफिक नाउन के प्लेस पर यूज़ किया जाता है, विच इज़ कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट.
इट मीन्स पूर्व पद. जिस नाउन की प्लेस पर इसे यूज किया जाता है उसे एंटीसीडेंट कहा जाता है. व्हाट इज एंटीसीडेंट? द नाउन विच इज रिप्लेस्ड बाय अ प्रोनाउन इज नोन एज इट एंटीसीडेंट. इट मीन्स प्रोनाउन जिस नाउन की प्लेस पर यूज किया गया है उस नाउन को इस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहा जाता है. देन वर्ब. अ वर्ब एक्सप्रेस एक्शन और बीइंग. जो एक वर्ब होती है वो सेंटेंस में एक एक्शन जो किया गया है उसे बताती है. देयर इज अ मेन वर्ब एंड समटाइम्स वन और मोर हेल्पिंग वर्ब्स. सेंटेंस में एक मेन वर्ब होती है और एक या एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब्स हो सकती हैं. लाइक इज एम आर. दीज आर सिंगुलर सिंगल हेल्पिंग वर्ब्स. बट वैन वी यूज हैज बीन एंडो वी थ्री वी सॉरी वी वन प्लस आई एन जी हैड बीन. दीज आर मोर देन वन हेल्पिंग वर्ब. अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर. लिसन स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो एक वर्ब होती है वो अपने सब्जेक्ट के साथ में नंबर में एग्री करनी चाहिए. इट मीन्स बोथ आर सिंगुलर और बोथ आर प्लूरल. या तो दोनों सिंगुलर होंगे, लाइक हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी और हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, और या फिर हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा और हमारी वर्ब भी प्लूरल होगी. इट मीन्स दोनों की जो फॉर्मेट है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सिमिलर होनी चाहिए, दोनों नंबर में सिमिलर होनी चाहिए. वर्ब्स ऑल्सो टेक डिफरेंट फॉर्म्स टू एक्सप्रेस टेंस. डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी वर्ब होती है वो टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्म लेती है. कहीं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया जाता है, कहीं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया जाता है, कहीं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया जाता है. ये हमें टेंस को डिफाइन करती है, हमारे टेंस को बताती है कि कौन सा टेंस है. नेक्स्ट इज कंजंक्शन. अ कंजंक्शन जॉइंस वर्ड्स फ्रेजेज और क्लोजेज एंड इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स जॉइंट. जो कंजंक्शन होता है वो वर्ड्स को भी जोड़ता है, फ्रेजेस को भी जोड़ने में यूज़ किया जाता है, कभी कभी क्लॉजेस को भी यूज़ करता है, ज्वाइन करता है, और ये इंडिकेट करता है रिलेशनशिप. जिन एलिमेंट्स को जोड़ा गया है उनमें ये हमें रिलेशनशिप बताता है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है. सम कंजंक्शंस आर एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो, एंड वी विल सी इन डिटेल when we will read about conjunctions. Next is adjective. As you know, a adjective is a word used to modify or describe a noun or pronoun. Listen students, adjective जो होते हैं वो noun और pronoun को modify करते हैं या describe करते हैं. It means noun और pronoun के बारे में बताते हैं. It usually answer the question of which one. ये जब हमें पता नहीं होता है कि which word is the adjective in the sentence, then we can ask questions. जब हमें पता नहीं होता है तो हम question पूछ सकते हैं, like which one, कौन सा. तो जो answer आएगा that is adjective. What kind, किस तरह का, and how many, और कितना. इनके जो answer होंगे वो हमारे क्या होंगे, adjectives होंगे. Articles a, an, and the are usually classified as adjectives. जो a, an और the हमारे articles हैं उन्हें भी adjective की category में ही रखा जाता है, उन्हें भी adjective ही माना जाता है. Then adverb. A adverb describe or modifies a verb, an adjective or another adverb, but never a noun. It is very important that जो adverb होती है वो modify करती है किसी verb को, किसी adjective को और किसी दूसरे adverb को, but never a noun. लेकिन एक noun को कभी भी modify नहीं करती है. Words that modify a noun is called a adjective, not a adverb. It usually answer the questions of when. ये usually कौन से questions का answer देगी, कौन से questions का answer देगी, when, यानी कब किया गया. Where, कहाँ, how, कैसे, why, क्यों, under what condition, कैसी परिस्थितियों में, और to what degree, और कितनी मात्रा में, कितनी quantity में.
adverb often and in ly. Dear students, not always but mostly जो adverbs होती हैं वो ly पर end होती हैं, like fastly, slowly, softly. Interjection. An interjection is a word used to express emotion. जो हमारे emotions होते हैं, जो हमारी feelings होती हैं, उन्हें express करने के लिए जिन words को use किया जाता है, that is called interjection. It is often followed by an exclamation point. As you know, जहाँ भी हम interjection word use करते हैं, after that we have to put a exclamation point. This sign is called exclamation point. So we have to use these sign like oh, wow, oops. These are some examples of interjection. I hope you have understand. Now, after this, we will read about these parts of a speech in detail one by one. I hope you have understand. Thank you and have a nice day.